हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब अगर आपका 9th मंथ शुरू हो गया है तो 9th क्या होता है, 9th मंथ जब शुरू होता है तभी से हम डॉक्टर के पास चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पहली बार माँ मर रही है तो उन्हें छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनका बच्चा कब होगा, ये चीज़ नॉर्मल है या ये चीज़ रिस्की है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि अभी आपकी डिलीवरी 5 या 10 दिन के अंदर हो ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, बेसिकली वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, 9th मंथ शुरू होने के बाद हर महिला को ये वेट रहता है, इंतज़ार रहता है उसका बच्चा कब दुनिया में आएगा, उसका बच्चा कब जन्म लेगा। तो फ्रेंड्स, जो पहली बार माँ बनते हैं तो उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता, वो सिम्टम्स समझ नहीं पाती कि ये सिम्टम्स मेरे बच्चे के जन्म लेने के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो कुछ ऐसे सिम्टम्स, अगर आपको वो लक्षण नज़र आते हैं तो इसका मतलब आपकी डिलीवरी बहुत जल्द ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहला लक्षण है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बच्चा खिसक कर नीचे आ गया, जैसे आपका बच्चा नीचे खिसक कर आपकी जो टांगे होती है उनके बीच आकर फंस गया है। आपको चलने में दिक्कत होगी, आप बैठेंगे आपको तब भी प्रॉब्लम होगी, आप लेटेंगे आपको तब भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है जब आपका बच्चा नीचे हेड डाउन पोजीशन कर लेता है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड डाउन पोजीशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो क्या होता है, बच्चा नीचे प्रेशर डालता है आपकी पेल्विक फ्लोर के ऊपर, तो इसी वजह से आपको चलने में, फिरने में, बैठने में हर समय आपको प्रॉब्लम ही रहेगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे हमारे अंदर से निकलकर बच्चा बाहर आने वाला, लेकिन फिर टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं होगा, वो तभी होगा जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा। सेकंड लक्षण है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो बच्चा जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पर प्रेशर डालता है, इसी वजह से आपको बार बार बाथरूम की होने की भी इच्छा होती है, क्योंकि बच्चा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर असर डालता है, इसी वजह से आपको हर 5 या 10 मिनट के अंदर यूरिन भी आ सकता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको कमर दर्द भी बढ़ सकता है। कमर दर्द क्यों बढ़ता है, जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो बच्चे का पूरा वेट आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर आ जाता है, तो इसी वजह से आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ सकता है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो इसका मतलब आपकी डिलीवरी बहुत जल्द ही होने वाली है। इसके साथ ही आपको ये लक्षण भी नज़र आ सकता है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, वाइट डिस्चार्ज जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है तभी से आना शुरू हो जाता है, पहले वो पतला होता फिर बाद में वो गाढ़ा पेस्ट की तरह होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आपका बच्चा जन्म लेने की पोजीशन में आ जाता है तो आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आने लगता है। वो क्यों आने लगता, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज होता है एक म्यूकस प्लग होता है, वो म्यूकस प्लग आपका जो आपकी बच्चेदानी होती है उसके मुँह पर लगा होता है। जब आपका बच्चा वहाँ पर प्रेशर डालेगा बच्चेदानी के मुँह पर तो क्या होगा, वहाँ से हल्का हल्का रिसाव होकर म्यूकस प्लग वाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कारण नज़र आएगा, जो आपको प्रेगनेंसी के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती, जैसे आपने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया तब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती, आपने थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ ली तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती थी, अब थोड़ा सा ज़्यादा आपने वॉक कर ली, चल लिए तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा जल्द ही जन्म लेने वाला है तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जब आपका बच्चा नीचे खिसक आता है तो आपका जो ऊपरी चेस्ट का एरिया होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, तो इसी वजह से आप आसानी से अच्छे से सांस ले पाएंगे, आपको सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले बच्चा जस्ट चेस्ट के नीचे होता था। जब आपका बच्चा नीचे खिसक आता है तो आपका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली हो जाता है, आप अच्छे से सांस ले पाते हैं, आप अच्छे से अपने घर के काम भी कर पाते हैं। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट लक्षण नज़र आ सकता है, जो आपका पेट का आकार होता है उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है। मतलब आपका पहले जब आपका पेट होता था वो ऊपरी हिस्से में ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन जब आपका बच्चा जन्म लेने की पोजीशन में आ जाता है तो आपका सारा पेट नीचे की तरफ चला जाता है। आपने ये बहुत ईजी सिम्टम्स होता है, ये हर महिला देखकर पहचान सकते हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, उन्हें भी पता होता है सिम्टम्स का, कि अगर आपका पेट बिल्कुल चपटा सा हो गया, मतलब आपका पेट का जो बच्चे का सारा वजन नीचे आ गया है, मतलब आपका पहले जितना पेट ज़्यादा दिखाई देता था अब इतना पेट ज़्यादा नहीं दिखाई देता,
क्योंकि अब आपका पेट है नीचे की तरफ होना शुरू हो गया है। तो अगर आपको भी सिम्टम्स नजर आता है तो इसका मतलब आपका बच्चा जन्म लेने की पोजिशन में तैयार है। इसके साथ ही आपको नेक्स्ट लक्षण नजर आ सकता है कि आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जैसे पहले कब्ज की प्रॉब्लम रहती थी वो ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको भी लूज मोशन हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका बच्चा कभी भी जन्म ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिन्हें देखकर आप इजीली पहचान सकते हैं कि अब आपकी डिलीवरी 5 से 10 दिन के अंदर या 2 से 4 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप मेरी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, पास जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।